नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 11 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, अब हमारी जो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी के उन सभी टॉपिक को कवर किया है जहां से एग्जाम देखो, चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, जहां पर इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को इसमें हमने कवर किया है। और इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और हमारी जो स्टैटिक GK की जो सीरीज चल रही है, इसकी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड ये दोनों अपलोड हो गई है। क्लास फर्स्ट जिसमें हमने AGI को कवर किया था, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और क्लास सेकंड जिसमें हमने प्रेसिडेंट को कवर किया था, और आज इसकी क्लास थर्ड है जिसमें हम पार्लियामेंट को कवर करने वाले हैं। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि किस राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट प्रदान करेगा। तो अभी हाल ही में यह फैसला लिया गया है बिहार का जो परिवहन नगर निगम है। तो डी क्वेश्चन का सही आंसर है, बिहार का परिवहन निगम यानी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने यह फैसला लिया है कि विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की जो यात्रा है उस पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी। और देखो ये जो फैसिलिटी दी जाएगी, इस फैसिलिटी का मिसयूज ना हो सके, इसके लिए जो एलिजिबल होंगे ना, वो होंगे इसमें जो 40% विकलांग होंगे। याद रखेगा, जो पर्सन 40% डिसेबिलिटी से, मतलब उनके साथ होंगे, वही इस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो डी क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। अब बात बिहार की हुई है तो बिहार का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखो पहले पॉइंट में है बिहार में कलराव उत्सव का आयोजन किया गया। सेकंड पॉइंट, नागी बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बिहार में COVID-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार राज्य ने राज्य में उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताजा मामले सामने आ रहे हैं। एस के सिंगल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। फिफ्थ पॉइंट इंपोर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बिहार के नालंदा में बना है, ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोई लवर पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च की गई बिहार के अंदर। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये बिहार में लॉन्च की गई। बिहार मंत्रिमंडल ने 103 नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी है। 22 मार्च 2021 को बिहार राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे। तो ये जो 12 पॉइंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो एक एक पॉइंट से बन सकता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टीका उत्सव, पूछा गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टीका उत्सव के दौरान प्रतिदिन 6 लाख टीकाकरण की योजना के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है। देखो ये जो टीका उत्सव है ना, ये चलेगा कब से लेके कब तक, तो ये चलेगा 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल 2021 तक। अब आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, मतलब इन्होंने ये हेल्थ ऑफिशियल्स को ये कहा है, ये डायरेक्ट दिए हैं कि प्रतिदिन 6 लाख टीकाकरण किया जाएगा। प्रतिदिन 6 लाख टीकाकरण किया जाएगा तो देखो ये चलेगा 4 दिन, तो कितना हो गया, 6 × 4 तकरीबन 24 लाख लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। और इन 24 लाख में से जो 4 लाख होंगे, 4 लाख का प्रतिदिन कहां पर किया जाएगा, ये किया जाएगा रूरल एरियाज में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में। और 2 लाख का प्रतिदिन ये कहां पर किया जाएगा, ये किया जाएगा शहरी क्षेत्रों में, यानी अर्बन एरियाज में। तो कितने हो गए टोटल मिलाकर, हो गए 24 लाख। 24 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार ने पशुओं के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया है। सेकंड पॉइंट, नीलम साहनी को किस राज्य में, यहां पर आएगा देखो आंध्र प्रदेश, नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड पॉइंट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। तो ये तो बात करी हमने आंध्र प्रदेश के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान चलाया है। तो ये चलाया है उड़ीसा की सरकार ने, और इसमें जो ये जो अभियान है इसका जो उल्लंघन करेगा उनके लिए फाइन भी रखा गया है, कितना, 1000 से लेके
2000 यहाँ पे फाइन भी रखा गया है। ये तो मुश्किल है कि ये पूछा जाए फाइन कितना है। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य ने ये फैसला लिया है, तो ये लिया है उड़ीसा की सरकार ने। 14 दिन का मास्क अभियान चलाया है। अब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उड़ीसा राज्य ने राज्य में स्वयं सहायता समूह यानी SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। सेकेंड पॉइंट, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। देखो जिला भी पूछा जा सकता है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये काफी दिनों से चर्चे में है। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किया। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। भारत की पहली शतरंज अकेडमी ये उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। कालिया, कालिया एक स्कीम है, इसका पूरा नाम क्या है, कृषक असिस्टेंस फॉर लेवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ये स्कीम उड़ीसा राज्य ने चलाई थी। किस राज्य सरकार ने डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया, तो ये किया उड़ीसा ने। 9th पॉइंट, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। कर्लापट वन्य जीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम कवर कर लेते हैं। देखो कैपिटल भुवनेश्वर है और फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 में। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं लोकसभा की, 21 सीट राज्यसभा की, 10 विधानसभा की 147 सीटें हैं। 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कटक में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं S. मुरलीधर। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका लेक, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम शंख रिवर के ऊपर है। राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में स्थित है इसको स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अप्रैल 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोड्डा नई दिल्ली हम सफर विशेष ट्रेन को किस राज्य के गोड्डा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो देखो ये जो गोड्डा है ना ये झारखंड में स्थित है, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। वहीं से इस ट्रेन को रवाना किया गया है हरी झंडी दिखाकर, जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी के द्वारा। इससे फायदा क्या होगा, झारखंड के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इससे मजबूत होगा, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। अब चलते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ, एक सेकंड ये मिटा देता हूँ। हाँ, अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्राप्त होगा बताइए। तो देखो ये किसे होगा, ये होगा दूति चंद को, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, महेंद्र गिरी इनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हीमा दास, देखो इनका नाम तो काफी बार चर्चे में होता है, इनको असम में ना असम राज्य के अंदर DSP बनाया गया था। और ये जो शरण कुमार लिम्बाले है, अच्छा इसका आंसर आप बताइएगा, शरण कुमार लिम्बाले इनका नाम चर्चे में है, इनका नाम चर्चे में किस लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की चालू वित्त वर्ष में 32,514 घरों और 2022 तक शेष 11,568 घरों के नल का जल कनेक्शन देने की योजना है, तो ये कहां पर है, लद्दाख के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत कम चांस है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट है जल जीवन मिशन, इसके बारे में समझते हैं। जल जीवन मिशन इसके 2 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, एक तो है जल जीवन मिशन रूरल और दूसरा कौन सा है, जल जीवन मिशन अर्बन। ये जो जल जीवन मिशन रूरल है ये ऑलरेडी रनिंग में है, इसको लॉन्च किया गया था कब, 2019 में, अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो नल का पानी है यानी नल का जल उसको प्रोवाइड कराना। और ये जो जल जीवन मिशन अर्बन है इसको भी लॉन्च नहीं किया गया है, इसकी सिर्फ बात हुई थी, जो अभी का बजट है 2021-22 में इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। बस ये पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन ग्रामीण यानी रूरल इसे लॉन्च कब किया गया था, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, और इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है लद्दाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राज्य के 4 जिले में सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति का आदेश दिया है, तो ये दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। फिर से बोलता हूँ, लखनऊ, कानपुर,
प्रयागराज और वाराणसी। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो पिछला करंट अफेयर इसका हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जल्दी काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UPFPO शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया। तो ये तो बात करी हमने उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे। महेश जोशी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखो ये सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और ये मध्य प्रदेश में मतलब मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ये मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका संबंध किससे है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनका संबंध राजनीति से है तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किस संस्थान ने $484 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? एक सेकंड, ये पहला पिक्चर देखिए। देखो ये है पिक्चर, ये यहाँ पे चेन्नई है और नीचे है ये कन्याकुमारी। ये जो पूरी रेड है ना, पूरी ये ब्लू वाली लाइन है, ये है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? देखो जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब ये किसने दी है, मतलब ये जो लोन दिया है किसने दिया है? तो ये दिया है किसने? ADB ने। ADB का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ADB। फॉर्मेशन कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर मंडलुयोंग, जो कहां पर है? ये फिलीपींस के मनीला में स्थित है। मनीला इसकी कैपिटल है फिलीपींस की। प्रेसिडेंट कौन है? मसासुहु असकावा, ये जापान से हैं। मेंबर कितने हैं? 68 मेंबर है। भारत भी इसका मेंबर है। पर्पस क्या है? प्रमोट करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ADB। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में किस देश के साथ भारत ने क्षेत्र में चल रहे सहयोग और बेहतर सुसंगतता, इसका मतलब क्या है, बेटर कोहेरेंस को और तेजी मतलब और तेज करने के लिए जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीदरलैंड। अब नीदरलैंड की लोकेशन कहाँ है पहले आप ये देख लीजिए। देखो यूरोप में है नीदरलैंड, यह है नीदरलैंड। कैपिटल क्या है? एम्स्टरडम, ये यहाँ पे लिखी हुई है। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूटे। तो ये तो थे हमारे देखो आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन क्या है, 7 अप्रैल 2021 को किस देश के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान यर्मेकबेव ने जोधपुर और जैसलमेर का दौरा किया? कजाकिस्तान सही आंसर है। केंद्र ने किस राज्य में 670 करोड़ की 14 राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी? झारखंड सही आंसर है। उस्मान साले मोहम्मद किस देश के विदेश मंत्री हैं? इरिटेरिया इसका सही आंसर है। किस IIT के शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स ने एक समूह मतलब उसका जो रिसर्चर्स का एक ग्रुप है उसने एक समूह ने एक डेंगू का शीघ्र निदान के लिए एक उपकरण विकसित किया है? देखो इसका मतलब क्या है कि डेंगू का पता 1 घंटे के अंदर लगाया जाएगा। तो ये किया है किसने? IIT दिल्ली के जो रिसर्चर्स हैं इनका एक ग्रुप है जिसने एक डिवाइस को डेवलप किया है। किस राज्य UT ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया? तो दिल्ली ने किया, दिल्ली की सरकार ने। किस देश ने ताड़ के तेल यानी पाल्म ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया किसने? श्रीलंका ने। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है, अप्रैल 2021 में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की? इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण अप्रैल 2021 में शुरू हुआ? अप्रैल 2021 में किसने एक पहल सार्थक शुरू की? सेना प्रमुख जनरल MM नरवा ने 8 अप्रैल 2021 से किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए? किसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान स्क्रैप बिक्री से कुल 4,573 करोड़ रुपए कमाए, जो 2019-20 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो देखो ये तो थी हमारी करंट अफेयर वाली डिस्कशन। अब हमारी जो स्टैटिक GK की सीरीज चल रही है जिसमें हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं और पॉलिटी के भी उन क्वेश्चनों को मतलब उन टॉपिक को जहां से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसकी देखो फर्स्ट क्लास अपलोड हो गई है। मतलब फर्स्ट क्लास को हमने परसों कवर किया था जिसमें हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कवर किया था, और फिर हमने सेकेंड क्लास को कवर किया जिसमें हमने
प्रेसिडेंट से संबंधित जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर किया, और आज हमारी ये थर्ड क्लास है जिसमें हम पार्लियामेंट को कवर करेंगे। पार्लियामेंट देखो, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है। देखो पार्लियामेंट तीन पार्ट में डिवाइड है। अब ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी प्रेसिडेंट और राज्यसभा। देखो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा के मेंबर है ना ही राज्यसभा के मेंबर है, ये इंट्रीगल पार्ट है पार्लियामेंट के, ये आप याद रखेगा। अब बात करें लोकसभा की, लोकसभा को देखो हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। हम जो देखो जो डायरेक्ट पीपल, मतलब जो डायरेक्ट लोग हैं वो वोट करते हैं लोकसभा में, मतलब लोकसभा के जो एमपी होते हैं यानी सांसद आप कह सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये डायरेक्टली जो चुनके आते हैं ये लोगों के द्वारा चुनके आते हैं, हम ही लोग इनको चुनते हैं वोट डालकर। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, इसमें वोटिंग का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, इसमें जो विधायक वगैरह होते हैं ना एमएलए, वही इन सब में वोट डालते हैं, इतना आप याद रखेगा। तो देखो ये तो बात करी हमने जो इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में। अब लोकसभा और राज्यसभा की कंपोजिशन क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। पहले लोकसभा की जो कंपोजिशन है इसके बारे में समझते हैं, टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं। तो देखो टोटल अभी आज की डेट में 552 मेंबर हो सकते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में। और 552 मेंबर में से 530 ये राज्य से आते हैं, 20 आते हैं यूटी से यानी केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 आते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 545 मेंबर हैं लोकसभा के अंदर। अब इनमें से 530 स्टेट से आते हैं, 13 यूटी से आते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में, उसमें पूछा गया था लोकसभा के अंदर जो यूटी से मेंबर आते हैं इनकी संख्या कितनी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो उस ऑप्शन में, मतलब उस क्वेश्चन के ऑप्शन में 20 भी था, तो वही इस क्वेश्चन का सही आंसर था। और 2 तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। तो ये तो बात करी हमने लोकसभा की जो बेसिक कंपोजिशन है इसके बारे में। अब राज्यसभा की जो कंपोजिशन है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। राज्यसभा में जो टोटल मेंबर हैं ये 250 मेंबर हो सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये 250 कर रखी है। 250 में से 238 कहां से आते हैं? राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से। 12 कहां से आते हैं? इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में, प्रेजेंट टाइम में 245 मेंबर हैं राज्यसभा के अंदर, जिनमें से 229 राज्य से आते हैं, 4 यूटी से आते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी जो नॉमिनेट किए जाते हैं ये इन इन फील्ड में होने चाहिए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। देखो एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। लोकसभा में जो होते हैं ये होते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उसी प्रकार से राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। देखो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं, वीडियो काफी लंबी भी हो रही है। तो ये तो हमने ऑर्गेनाइजेशन समझा पार्लियामेंट का, कल हम लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल के साथ कवर करेंगे, मतलब इनके जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, इनका काम क्या होता है, तो इसको हम कल वाले डिस्कशन में कवर करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।